जाऊं। दोस्तों आ गई है बुग्गी। सुनील एक बार चाय पी लो भाई, मुझे भी निकल गई हो। दोस्तों अब भी आ जाओ, चाय पी लो। सबकी शाम की चाय हो गई है। ना इनसे ही हो जाओ मम्मी, तो बैग इसमें ना दिक्कत आती। ये तो इस मामले का बहुत अच्छा है दोस्तों। अब तो मील पे सा आया था ट्रैक्टर, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है साथ के साथ ही। ये अब देखना, यहाँ से ये आराम से पूरा बैक होके अंदर चला जाएगा। तो बंद करना पड़ेगा फ़ोन थोड़ी देर के लिए। दोस्तों थोड़ी सी मैसी की बनावट ही अजीब सी है, बाकी चलाने में और जो इसका तेल का एवरेज है, इसकी चाल जो बैठती है किसान के हिसाब से, वो बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं, बस थोड़ी सी बनावटी अटपटी सी है। तो बस यही बात समझने की है, बस समझने की है, मतलब बात कहने की कि ट्रैक्टर बहुत अच्छा। दोस्तों चल पड़े हैं, दोस्तों देखो कितनी सारी चीजों से बचता हुआ चलेगा। छोटा दूटा, ये पल, फिर वहां कोना, छिंग छिंग। अरे भैया मुझे ना कड़वावे तू। अरे भैया चाय पी ली तुमने? पी ली तो ऊपर कोई चढ़ जा छत पे और ऊपर को खींच लिया, मुझे कड़वा दिए फिर। ई रिक्शा तो लिकट जाएगी, लिकट जान दे ई रिक्शा को तो हटाइए। अच्छा भाई करिए करिए, ट्रैक्टर का तो फुकीर फुक रहा, मेरा भी फुक रहा। बस रुक जा रुक जा, कभी वो बाल्टी गिर जा तेरे सिर पे, कभी मेरे सिर पे गिर जा, अभी गोबर भी भरू मां सहज के मैं। ओहो पीछे देखे पीछे देखे, अभी पटड़ी हो जा। चल रहा भाई से मुझे बता रही। ओह बोरे हाल हटाओगे हिसाब जो करूँगा यहीं को जंगो कर करो जब भरूँगा खुरच का सारे को, सारा गोबर भरूँगा खुरच खुरच के, गंदा हो रहा। दोस्तों देखो सारे ऐसे बांट दे के चले, एक वो वहाँ खड़ा है को सीढ़ी लगा रखी। ले आ भैया ले आ भैया, मैं तो आपके चढ़ा रहा है इसे चौंतरे का चढ़ा रहा भैया मैं। ओहो हो मैं तो खुदा दूंगा भैया कहीं हो कोई, तो राम राम। ओहो हो काट दे सीढ़ी ले जा अपनी गहल काट दे सीढ़ी उतरे नहीं नहीं मार लिए बेर पे सीटी लगा दे। कहाँ चल दिया सारे के छुट्टी ले जल्दी भगा ला मेरे यार, आज नहीं खेत में जाया जा हर होगी दे तू भी ले आज ले। अरे मैं तो परे को लिकट जाता वही बढ़िया रहता भाई मेरे यार, यहीं मन ने तो आज भाई दोस्तों तो बंद ही करना पड़ेगा, काम नहीं चले आज तो। इनने अजय ने ऐसा काम कर दिया, इनने हमारे पेंटर ने सुनील ने, बस दोस्तों ये तो गड़बड़ी होगी। ओहो बड़े जुदों में पीछा छूटा, दोस्तों अनुज भाई और हम सुबह को भी और शाम को भी ऐसे टाइम से चलते हैं जो हमें रास्ते में जाम ना मिले, किसान ना मिले, पर फिर भी फंसते जरूर है जाम में। अब अनुज भाई को और मुझे आधा घंटा लगा आगे पीछे करने में, क्योंकि दोस्तों गांव वालों को नाराज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी आर वेरी कॉमेडी बॉयज।
दोस्तों अनुज भाई तो पत्ती काट के नहीं डालते हैं, ये तो साबुत ही डालते हैं, क्योंकि दोस्तों डेयरी पर पशु बहुत हैं गाँव में, तो इसलिए डेली के डेली डालते रहते हैं, डेली के डेली उठवाते रहते हैं, तो उससे बेनिफिट मिलता है। लेकिन दोस्तों हमारे अपने पास में छोटा काम है, छोटे पशु हैं तो काट के काम चल जाता है। इसे और कुछ काम नहीं, साइकिल ही फेंक दी। धीरे से स्विमिंग पूल में उतर जा और उतनी ही सफाई से निकल जा। टिंग टांग। अब दोस्तों गांव बाहर तो ऐसा है, रास्ते छोटे हैं काफी तो बच जाते हैं, लेकिन यहां भी आबादी इस तरह से बस रही है कि कब्जे हो रहे हैं पूरे। ये देखो टिंग टांग 47-10। दोस्तों ये 47-10 मेरी, इसमें हमारे 245 में सेम इंजन है बिल्कुल। हवा देखो जी कितनी ठंडी लग रही है मुझे, मुझे तो सीज चढ़ गया। अरे रे, अरे रे, ओहो हो, ले थोड़े से तेरे पहिए धो दूं, मिट्टी में हो गए होंगे। स्विमिंग पूल में, जैसे गांव के बुजुर्ग कहते हैं स्विमिंग पूल को स्विमिंग पूल। दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक खुरी जो यहां पड़ी है, ये किसी के भी पहिए में पंचर कर सकती है। इसे उठाकर साइड में फेंकना होगा। टैंक टांग। अब चलते हैं उसे उठा के फेंकते हैं। ओहो हो, ज़्यादातर इस तरह से कीचड़ के आसपास में उतरता हूँ नहीं, लेकिन ये देखो ये जो है किसी का टायर पड़ेगी, इसे जो है हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि हम एक बार झेल चुके हैं इस तरह से कि टायर के बीचों बीच बढ़ गई थी, और दोस्तों ये टायर के संपर्क में आकर खड़ी हो जाती है कई बार, ऐसा हो जाता है। तो थोड़े से हाथ भी धोते हैं बोतल निकाल के, लेकिन कैसे धोएंगे। ओहो, इस कमबख्त जाली ने तो हमारा जीना हराम कर दिया। तो दोस्तों ये हट तो रही है, साथ के साथ ही अंदर तो जाली भी साफ कर लेंगे। चलो ये हमें खोलनी पड़ती, अब इसका देखते हैं जिस तरह से भी होता है। जरा से हाथ जो है खंबे से ही पोंछ लेते हैं और उसके बाद खेत में जाकर धो लेंगे, क्योंकि गोबर में भी हाथ भरेंगे। तो दोस्तों धीरे 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 खेत में पहुंच लिए हैं और यहां से बच्चे आ रहे हैं, इधर भी सब ऑफिस में बैठकर चाय पी रहे हैं और यहां से बच्चे आ रहे हैं। ओहो हो, प्यार के साथ आ जा, प्यार के साथ बेटे, आराम से। ओहो हो, इतना नहा ले, इतना नहा ले, खिंड जगह है सारा धंधा। इतनी मेहनत से तो मैं गोबर लाया सकेर सोहर के, तू सारा ही खिंड आप गए, तेरी बिल्कुल ही हद होगी। ओह ये किन्ने, हाँ दावत उड़ाओगे अपने घर में, कूड़ा फेंकोगे यहाँ ला गए, हद होगी, बिल्कुल मान नहीं रहे। पहाड़ को तो जाडा लगता ही नहीं। मिंदन और बाबा ने रुधन तार रख किया दोस्तों, मम्मी ने मैं जरा सी देर नहीं लौटन दिया, अन्य मन ने कई बहाने भरे, मगर मुझे सीट चढ़ गया, मैं तो कई दिन घूमा, मुझे तो नो हो गया। घर को ने कहा भैया जा कुछ काम कर, नो थोड़े ही रात बहुत बड़ी होगा सर्दियों की, रात को सोइए, नो ना यहाँ आसन पट्टी गेर के पटे। तो दोस्तों मुझे भागना पड़ा, रोटी खा के भागना पड़ा मुझे। अब जो है मैं इधर गोबर को उतारू आएंगे। ओहो भाई रे, खेत कितना काम बता रहा हमें, नू कर लो नू कर लो नू कर लो, पर हम कुछ करने को तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि दोस्तों हमारे घर को भी पता है हम इतने जिधल्ले, जो हमें करना है उससे तो हम बाज नहीं आते, चाहे घर के तोप लगवा दो, और जो हमें करना नहीं तो फिर हम इतने निकम्मे, हम करके नहीं देते चाहे घर के मारे पे कितने लठ बजा लो।
तो ये देखो यहाँ से नील गायें भाग के निकल गई हैं। ये दोस्तों करना पड़ेगा, देखो यहाँ से एक दो तीन, दो नील गायें आगे पीछे गई, एक उस साइड तक गई, तो ये इतना ही गेहूँ खराब करती चली गई। और ये इनका बाईपास ऐसा बन रहा है दोस्तों, मैं बस बता नहीं सकता कुछ, क्या बताऊँ, बस मैं बहुत परेशान हो गया इन नील गायों से, इन्होंने तो बाईपास बना लिया। दोस्तों ये वाली लाइन पूरी हो जाएगी आज, दिखाते हैं बुग्गी खाली करके, बेबेरी क्या दिखा मैं टिंग टांग। बुग्गी होगी है चकाचक, एक दो तीन चार, दोस्तों साढ़े तीन, करीब साढ़े तीन ढेरी हुई है। जैसे दो ढेरी तो वो सामने उतार दी है, फिर एक यहाँ पीछे उतारी है, इसमें थोड़ा आगे उतार दी थी हमने, ये तो ये पूरी कर दिए हैं, फिर इधर से उतारनी शुरू करेंगे। तो दो दिन के गोबर में दो दिन, चार दिन, पाँच, छः सात, एक हफ्ते के गोबर में 11 हो जाएगा पूरा। कोने काने इसके सब भर देंगे, वहाँ दोस्तों ऊंची डोल लगा के गोबर इसमें जो है फैला के मोटा जोटा, और पत्ती भी थोड़ी बहुत सेटिंग सी करके पानी छोड़ देंगे दोस्तों। इसमें कुछ गोबर का जूस बहेगा तो दोस्तों ये और भी जल्दी इसमें डिकम्पोजर का काम होगा, तब ये कहीं जाकर कामयाब काम मतलब काम के लायक हो सकती है। तो दोस्तों देखना आप इसने जो है हमें कैसा नाच नचाया टिंग टांग। चलते हैं दोस्तों ट्वेल के पीछे से दो बोझ काट लेते हैं नेपियर के। क्या बुहारी मारे हम रोज रोज, ये तो हम ही नहीं नहारे रोज रोज, ये तो हमें जड सता गया। कोई बात नहीं, इस साबुन सरफ बचाने में भी अपना मजा है जीवन का है। तो दोस्तों ये काट लेंगे यहाँ से पीछे से। ओहो हो, रुक जा रुक जा रुक जा, बंद हो जा सिम सिम। 1262.8 टिंग टांग। दोस्तों फटाक देसी दो बोझ काट लिए हैं और यहाँ से काट लिए हैं जो 12 के पास से, और ये देखें पीछे से भी तोड़ लिया है दोस्तों, लंबाई देखो कितनी हो रही है इसकी। तो दोस्तों ये सर्दियों में भी इसलिए आ गया कि मैंने इसमें बड़े पौधे छोड़ दिए थे, अगर मैं बिल्कुल जड़ से मिला के काट देता तो अब जो है अगर फरवरी के लास्ट तक ही आ पाते, फरवरी मार्च में। तो दोस्तों यही है, और देखो यहाँ भी हमने ऐसे ही करा था, ये भी सर्दियों में जो है बिल्कुल नहीं बढ़ता अगर इसे मिला के काट देते। तो दोस्तों छोटे छोटे पौधे छोड़ना बहुत ज़रूरी है, बड़े बड़े पेड़ निकाल लें, और जो है पशु उतने रखें अपने काम के जितने ज़रूरी हैं, थोड़ा भूसा रखें, कुछ वैसी चारे की व्यवस्था रखें, बाकी डोल वगैरह खाई जहाँ खाली पड़ी रहती हैं इसे लगा दें, बाकी नेपियर तो ऐसा है तो ना छका के फेंक देगा। तो दोस्तों वहाँ चल रहे हैं आज मिंद्र भाई ने, इन्होंने बहुत अच्छा झटका लगाया, तो बाबा से दो मिनट बात करते हैं फिर दोस्तों रख के चलते हैं। मौसम बहुत ख़राब है, थोड़ी देर हवा बंद होकर बहुत तेज़ हवा चली थी, फिर मौसम गुम हो गया, कुछ दोस्तों समझ में आ नहीं रहा। अगर आपके वहाँ भी बारिश हो रही है तो बताएं टिंग टोंग। कहाँ झाड़ी उसी में बढ़ के निकल रहा है, अच्छा यहाँ बचा रहा बुकी। बच गी। ओहो, बस यही तेरी कुछ खूबी ऐसी है जो हम तुझे प्यार करें, अन्य तो व्यापारी तो हम पूरे पक्के हो लिए। ओहो दोस्तों यहीं रोकेंगे, मिंदर की साइकिल बाबा की यहीं पड़ी है, यहाँ थोड़े गोले पड़े हैं, तो दोस्तों लिए चलते हैं। ओहो, मिंदर ढागेर देख कितना फर्क है, देख वे जुड़े भीतर के तो तेरे तक ही है, देख मेरे तक कहाँ जा रहे, मेल लगाई हुई है, यो बाद की मेल इतनी लगे। तो दोस्तों आपको दिखाता हूँ नजारे, यो भीतर का तो सारा खेत का टेंडर जो था मिंदर पे था, और दोस्तों ये धोरा बांध के ले गया था मैं चारों तरफ से, उधर से भी लाया था बांध के ऐसे बांधते हुए, फिर दोस्तों शायद बारिश आ गई थी। तो आपको दूर से दिखाता हूँ, आप फर्क खुद समझ जाओगे, जो ये लास्ट की जो मेल लगती है जूने वाली। दोस्तों इतनी दूर आ गया हूँ मैं, और देखो यहाँ से देखो आपको फर्क साफ दिखाई देगा, ट्रैक्टर खड़ा है, ऊपर वाला खेत भी दिख रहा है, और देखो नीचे वाला जो धोरे का खूड हम बांध के ले गया था दोस्तों, उसके गन्ने देखो, गन्ने गन्ने में छुलाई में ही 1 मीटर का फर्क है, और ये अंदर का वो है
जो टेंडर इन पे था तो ये धीरे धीरे गिर गया था दोस्तों। जो दोस्तों जो चारों तरफ से धकेल के जो जूड़े मिलाते हैं फिर जूड़ा लगाते हैं उसमें सारों का सम होने से जो एक जगह मिलते हैं तो उन्हें फसल को खुशी मिलती है, तो वो एक दूसरे से परागण कह लो या जो भी उनमें चुंबकीय शक्ति उन्हें मिलती है या जो स्पर्श मिलता है एक दूसरे का, उससे दोस्तों गन्ना बहुत बढ़ता है। तो ये देखो मिंदर कहाँ खड़ा है, मेड़ा कितना ऊंचा है ये देखो, और फिर ये देखो, और दोस्तों फिर ये देखो इंगे दोस्तों, इधर जो है गन्ना तो बहुत है खेत में, बेहिसाब गन्ना है, गन्ना सूखा भी नहीं निकल रहा, मूना भी कम है, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा होने से गन्ने की हाइट कम होगी, गन्ना इतना बढ़ नहीं पाया, पतला हो गया। और बाकी ये जो धोरे की लाइन जो मैंने जूड़े बिलाए थे और उधर से बांध दिया था आधा पौना बीघा, भीषण बढ़ रहा है, बहुत मोटा ही है, तो लास्ट में ये काम जरूर होना चाहिए। टिंग टोंग दोस्तों, एकदम से ठंड गायब हुई, एकदम से जो है या तो हम काम कर रहे हैं इसलिए हमें लग रहा है। दोस्तों दो तीन दिन का चारा फिट कर लिया है। मिंदर यो रुके नहीं इसमें बिना बांधे, अच्छा तू बैठ के चल रहा, चलिए बढ़िया तो बैठ ले। हाँ आज बड़ी देगा, अभी दिखाऊंगा। राम राम जी। नहीं बस थोड़ी सी रह रही है तो मैंने रोक लिया, आप जाके मैं भी थक लिया भैया, हो जाएगा काम, कोई बात नहीं, निमट जान दो, ये तो वैसे ही बड़े जुदो में ताल पर बात आई भैया। राम राम भाई। दोस्तों एकदम ही आके बंद करा, भीतर एकदम सी चढ़ गया था, मौसम के मिजाज समझ में नहीं आ रहे। अब देखो मम्मी से रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, चारा तो बतेरा पड़ा, मुझे लगे एक नेपियर का बोझ काटना पड़ेगा एक गोले में मिला के, चलो काट देंगे, उसमें भी हमारा ही फायदा बहुत ज़्यादा, सुबह उठ के चारा नहीं काटना पड़ने का। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो को दे रहे हैं विराम, सर्दी बहुत है, अपना ध्यान रखें, हल्की हल्की जो है अपनी वार्म अप बनाए रखें। टिंग टोंग लवली लवली, जुड़े रहिए। चारा काट के फिट कर दिया है काम, ये भी फिट हो गई है सब खा पी के। दोस्तों बुग्गी खाली कर रहे हैं मेरे, चारा काट के डालने में, हाँ ला रहा हूँ तेरा सामान भी दोस्तों, झाड़ू वाड़ू लगाने में। और देखो इतना कारनामा, गोले जोड़ के रखना, खेत में से ला के कट्ठे रखना, सूखा काटना इनका, सूखा काट के इधर भी रखना, उधर ढेर लगा के रखना। अब यो कुछ और गोले पड़े थे सूखे हुए पहले, यो एडवांस में चारा काट के छोड़ना। दोस्तों दो गायों के पीछे भी जीवन जो है ना, बिल्कुल ऐसा मान लो तलवार की धार पर है। ये देखो मेहंदी सी हाथों में लगी रहे कि गन्ने डाल के मैं पूरे दिन फ्री था, फोन में एडिट करके वीडियो भी नहीं डाल पाता, बट चड्डू रहा काम, दो चार मिनट खेत में आराम मिल जाओ। अब दोस्तों इतनी शीतलहर में बताओ खेत में भी कहाँ बैठे, समझ में बात नहीं आती, घर को की लहले लहले। तुम ये देखो कि सिर्फ दो ही गायें हैं बेचारी ये, और ये बहुत थोड़ा खा के भी इनका काम चल सके, और जी देह मार रहा है पूरे दिन, देह मार देह मार देह मार, हम तो बात ये नहीं समझ में आती कि कैसा काम चले। क्योंकि दोस्तों कई बार यो कह लिया मगर ये दो चटाई ला के यहाँ इसे बंद कर लो नहीं को नो के, इसके भी पैसे देने, उसके भी देने, उसके भी देने। तो दोस्तों बात यही है, जितने मुंह उतनी बात, क्योंकि पशु तो दोस्तों बात यही है ना, पशु तो जिसके ऊपर बंध रहे वो करेगा ना इनका तो ध्यान, के बाहर से कुछ खरीद के नहीं लाना, जो भी अपने द्वारा साधन है भीतर से करो। जब दोस्तों जो अपने द्वारा साधन थे वे तो मिले नहीं, अल्टा पलटी में पता नहीं वे दो पल का आँख हो गई, पता नहीं कहीं आते हुए रस्ते में गिर गए, पता नहीं कहाँ गए दोस्तों, गेहूं के बाद ही आए थे वे, वहां रखे गए थे बरामदे में, वहां के बाद पता नहीं वे कहाँ गए, नहीं तो वो पल तो इतना बड़ा है पूरे को बंद कर दे। अब बताओ ये टुकड़े लगा लगा के गाय की जान बचा रखी, ये दोनों एक जगह नहीं बनती, इनका भी राड़ा है। तो दोस्तों या तो ठंड लगनी ही, ठंड उतर नहीं रही थी, या पसीने इतने आ गए कि जूते भी निकालने पड़े और ऊपर से कपड़े भी काटने पड़े, और चेहरे पर देखो कितना पसीना, कपड़े भीग गए पसीनों में, यहाँ चारा काटने में और झाड़ू लगाने में व्यवस्था बनाने में इन्हें डालने डूलने में। तो दोस्तों इतनी जून बंट है किसान की। टिंग टोंग, जुड़े रहिए।